में एक ला कॉन्फ्रेंस कराना चाहते हैं, तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नवंबर के एंड में हमें टाइम दिया है कि 2 रोज़ा होगी, उसमें जो ला एक्सपर्ट हैं पूरे पाकिस्तान से हम उनको बुलाएंगे। पहले दिन हम चाह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसको ओपनिंग करें, दूसरे दिन हमारी कोशिश है कि सदर पाकिस्तान तशरीफ लाएं। उसके बाद हम हमारा जो यहाँ पे मुल्तान में बहुत बड़ा जो दरीना मसला है यहाँ पे कचहरी एक्सटेंशन का, तो उसमें हम वहाँ पे लाहौर 20 तारीख को मीटिंग थी जो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी है हाई कोर्ट की, उसमें 7 जजेस भी मुश्तमिल होती है, उनमें से 4 जजेस मौजूद थे, बल्कि वैसे 5 जजेस उस कमेटी को ऐड कर रहे थे, जैसे कासिम खान साहब, मीनुद्दीन खान साहब और शहबाज रिजवी साहब और शहजाद उमर गिवा साहब, तो 5 जजेस साहबान वहाँ पे बैठे थे। तो उसमें चीफ सेक्रेटरी भी आया था, उसको भी बुलाया हुआ था, और CNW सेक्रेटरी हैं वो भी आए हुए थे, तो DC मुल्तान को भी बुलाया हुआ था। एक पॉइंट की कि 26 कनाल जो है ना वो ऐसी है जो पुलिस के इस्तेमाल में नहीं है। जैसे साहबान ने, जैसे कासिम खान साहब ने, अमीर बकी साहब ने कहा चीफ सेक्रेटरी साहब को, ये आप जो है ना हमें जुडिशल वर्क के लिए वो जगह चाहिए, वहाँ कोर्स हम बनाना चाहते हैं, वो हम हर हाल में दें। कमिश्नर साहब और बाकी अभी रजिस्ट्रार साहब के साथ भी हमारी मीटिंग है, तो अब महसूस होता है कि वो काम हो रहा है, पैमाइश वगैरह हो गई है, तो शायद 1-2 दिन में इंतकाल हो जाए, तो नेक्स्ट जो मीटिंग होगी हमें उम्मीद है कि वो जगह जो है ना हमें कचहरी एक्सटेंशन के लिए वो जगह मिल जाएगी। तो वहाँ पे हमारे जैसे कासिम खान साहब ने चीफ सेक्रेटरी साहब से ये भी कहा कि 26 कनाल तो अर्बन कमेटी की है, और आप क्योंकि मुल्तान के हैं, आप पे भी एक वहाँ की कंपनी का कर्ज है, तो आप भी 8-10 कनाल गिफ्ट करें। उनके साथ हाईवे का ऑफिस है, इसके लिए भी रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि हमारी कोर्स की जगह बहुत कम है, यहाँ पे 10 कोर्स काम कर रही हैं, तो 16 की यहाँ पे है, इसमें कोर्स रूम बहुत कम है, तो हाईवे ऑफिस होने का ये भी हमें चाहिए। डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट में जो है लाइब्रेरी का हमारा काम था, तो उसमें चीफ सेक्रेटरी ने DC साहब को हुक्म दिया था हमने हमारी रिक्वेस्ट पे कि इनको जो भी फंड ज़रूरत हो, जो भी इनको काम वहाँ पे हो वो इनको करके दें। तो DC साहब ने यहाँ पे AC को और बिल्डिंग डिपार्टमेंट वालों को भेजा था, यहाँ पे वो सर्वे कर गए हैं, हमारी नीचे लाइब्रेरी है काफ़ी अच्छे से, वहाँ पे वो नीचे कारपेट वगैरह थे, रिलैक्स वगैरह। तो इसी तरह हमने जुडिशी के साथ बड़ा अच्छा हमारा चल रहा है, उनके साथ बड़ा अच्छा पावर और बैंक के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है, इससे पिछले 2 साल में काफ़ी टेंशन रही है, उसको हमने वो किया है सारा जजेस साहबान के साथ मीटिंग वगैरह करके, तो जजेस साहबान पे जो ये कुछ मसाइल थे वो हमने रिजॉल्व किए हैं। नादरा ऑफिस कैम्प किया हुआ है जिसका जैसे कासिम खान ने इस्तेमाल किया था, वो भी वकला की सहूलत के लिए हर वक्त यहाँ पे टीम बैठी होती है, वो कोई ऐसी नहीं है कि जो है जहाँ पे वो टीम हो आए और चली जाए, मुस्तकिल बुनियादी जो है उनके 2 कमरे जो हैं यहाँ पे बनाया हुआ है, वो यहाँ पे वकला की सहूलत के लिए किसी टाइम अपनी फैमिली के लिए यहाँ पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने काम किसी किस्म का हो नादरा के मुतालिक, तो वो यहाँ पे उनकी सहूलत के लिए नादरा ऑफिस कैम्प करवाया गया। इंशाल्लाह हमारी एग्जेक्टिव हमारी बॉडी जो है बड़ी मेहनत से काम कर रही है, इंशाल्लाह हम बार के लिए यादगार छोड़ कर जाएंगे कि यहाँ पे जो ये आई थी एग्जेक्टिव आई थी इन्हें बार के लिए कुछ किया। 5 अक्टूबर को ऑल पाकिस्तान कन्वेंशन करवा रहे हैं पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से, यहाँ पे रखा हुआ है, तो उसमें जो तमाम पाकिस्तान के वकला होंगे, तमाम बार मजबूर करेंगे, तो वो भी उसमें कुछ टॉपिक में चाल में वो हमारा जैसे काजी फैजीसा वाला है वो डिस्कस होगा, तो इस सिलसिले में हम जो है ना वो 5 अक्टूबर को ऑल पाकिस्तान जो है ना वो कन्वेंशन की यहाँ पर इंशाल्लाह होगा, और तमाम दोस्तों को हमारी जो जनूबी पंजाब की बल्कि पूरे पंजाब के जो ऑफिस बेजर हैं सबको हम मजबूर करेंगे, इंशाल्लाह वो भी हम उस कन्वेंशन को कामयाब कराने की कोशिश करेंगे।